हाँ जी, तो जानेमंद कैसे हैं आप सभी लोग। वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को समझ तो आ ही गई होगी। आज हम इस सिलाई मशीन के पैडल को रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये इसका अंदर वाला सारा सिस्टम है। ये जब पैडल को हम प्रेस करते हैं तो इस पथरी को इसके साथ टच होना चाहिए फुल, लेकिन अब ये देखें फुल प्रेस करने के बावजूद भी ये इसके साथ टच नहीं हो रहा इजीली। तो इसको आज हम ठीक करेंगे। ऐसे नज़दीक से देखें तो बिल्कुल भी स्पार्किंग की वजह से ये टच नहीं हो रहा। ये पेच लगा हुआ है जिसके ज़रिए कनेक्शन कंप्लीट होता है। इसको हम अब ओपन करते हैं सारे सिस्टम को और देखते हैं कि इसका क्या जुगाड़ लगता है। हाँ जी, तो ये ओपन हो गया। अब हम इस लंबे से पेच को खोल लेंगे। ये इसके नीचे कार्बन्स हैं जिसके जरिए कनेक्शन कंप्लीट होता है। इस पेज को पथरी के साथ टच करवाने का एक देसी जुगाड़ ये है कि इसके अंदर कोई एक वाशर रख दें या फिर कोई नट रख दें और नट रख के इसको दोबारा ऐसे ही जैसे खोला था दोबारा बंद कर दें। तो अब ये देखिए पथरी इजीली इसके साथ टच हो रही है। इसको दोबारा हम सारे कार्बन अंदर डाल के इसको बंद कर देंगे। हाँ जी, तो ये देखिए बिल्कुल हल्का सा पैडल प्रेस करने से ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस पेज को हम खोलेंगे क्योंकि हमें पैडल ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको बंद करके टेस्ट करते हैं।